करीब एक साल हो गए और उन्होंने मुझे फाइनल कट प्रो के बारे में रत्ती भर भी कुछ भी नहीं सिखाया। नमस्कार, मैं हूँ समीर कुमार। मुंबई में आने के बाद जो मेरी वीडियो एडिटर की जो लाइफ शुरू हुई, वो जर्नी, वो जो यात्रा थी, वो कैसी थी? आज से 10 साल पहले जब मुंबई में आया तो ऑफिस स्टूडियो के चक्कर काटने लगा। मेरे हाथ में था एक सीडी पर बना हुआ शोरील और एक कागज़ जिस पर बायोडाटा लिखा था मेरा। कुछ समय में ही मुझे पता चल गया कि काम इसके आधार पर यहाँ नहीं मिलता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा झटका मुझे लगा, वो ये लगा कि जिस सॉफ्टवेयर पर मैंने इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए 1.5 साल बर्बाद कर दिए थे, उस सॉफ्टवेयर पर यहाँ काम होता ही नहीं है। मैं यहाँ जहाँ भी गया, यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर प्रयोग हो रहा था टीवी सीरियल के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए, शॉर्ट मूवीज़ के लिए, सभी चीज़ के लिए, वो था फाइनल कट प्रो। और फाइनल कट प्रो किस पर चलता है? मैक प्रो पर। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक अच्छे खासे एडिटर तक अपनी पहुंच बनाई और उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे सीखना है। मैं उनके साथ लग गया। करीब एक साल हो गए और उन्होंने मुझे फाइनल कट प्रो के बारे में रत्ती भर भी कुछ भी नहीं सिखाया। कभी मशीन पर बैठने नहीं दिया, कभी कीबोर्ड को छूने नहीं दिया। तो अब क्या किया जाए? जाहिर सी बात है, वो जगह छोड़ना था। फिर मैं दूसरे आदमी के पास गया कि भाई आप मुझे फाइनल कट प्रो सिखा दो। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं सिखा देता हूँ। जिसके पास भी मैं जा रहा था, तो वो सब मैंने कहीं से अपने किसी दोस्त के माध्यम से वहाँ तक मैंने अपनी पहुँच बनाई थी। और इसके लिए वो लोग मुझे पुराने फुटेज देते थे कि आप एडिट इस पर करना, और जो नया फुटेज जो आया है शूट होकर उस पर बिल्कुल हाथ मत लगाना। लाखों रुपए लगते हैं शूट में, और अगर आपने फुटेज को डिलीट कर दिया तो वो जो चिप, जिस चिप में वो फुटेज था, वो भी फॉर्मेट हो चुका है, और इधर आपने मशीन से भी अगर गायब कर दिया तो वो फुटेज बिल्कुल ख़त्म हो गया। और आज भी अगर कोई बंदा सीखने आता है तो उसे नया फुटेज बिल्कुल नहीं दिया जाता। इवन कि मेरे पास भी कोई आता है तो मैं भी नए फुटेज का रिस्क नहीं ले सकता हूँ। क्योंकि फिर अगर वो फुटेज डिलीट हो गया तो जो बंदा सीखने आया है वो तो अपने घर को निकल जाएगा, फंस जाऊँगा मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं सैलरी पर काम कर रहा हूँ। लोग मुझसे पूछेंगे कि अगर वो नया बंदा था, तुमने मशीन पर बैठने क्यों दिया? हुआ यूँ कि करीब एक महीने के बाद मैं बहुत कुछ सीख चुका था। मुझे सब शॉर्टकट्स वगैरह पता चल गए थे, कैसे करना है, कैसे स्क्रिप्ट को पढ़ना है, कैसे स्क्रिप्ट को पढ़कर देखकर और शॉर्ट्स निकालने हैं, टाइमलाइन पर रख के जोड़ना है, ये सब कुछ समझ में आने लगा था। इस बीच क्या हुआ कि एक जो लाइनअप वाला एडिटर था, वो उसकी कुछ अनबन हो गई एसोसिएट एडिटर के साथ। तो उसने क्या किया कि वो सुबह गया था तो रात को उसको आना था, पर वो रात को आया ही नहीं। मैंने इस समय का फ़ायदा उठाया और मैंने बोला अपने दूसरे जो लाइनअप वाले एडिटर थे उसको कि अगर आप कहो तो मैं एडिट करता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, कर लो। तो पहली बार मुझे नया फुटेज मिला, उस समय का स्क्रिप्ट मिला और मैंने एडिट करना शुरू कर दिया। रात भर में मैंने करीब 1 या 2 सीन एडिट किए और सुबह मैंने वो सीन दे दिया। सुबह में क्या हुआ, चीफ एडिटर, जो सब एडिटर में जो सबका बॉस है, वो आया और उसने एपिसोड देखा जो पूरी तरह से बना हुआ था, जो एसोसिएट ने तैयार किया था। तो एसोसिएट ने बताया कि भाई एक बंदा जो हमारा है वो अब भाग गया है, अब वो नहीं आएगा काम पर। एसोसिएट ने जब ये कहा कि भाई अब हमें नई एडिटर की ज़रूरत है, तो साथ में उसने ये भी बता दिया कि मैं, यानी समीर कुमार सिंह, ये जो एक नया बंदा है, एक नया लड़का है जो एक महीने से यहाँ पर ऑलरेडी सीख रहा था, इसने रात को 2 सीन एडिट किए हैं। अगर आपको इसकी एडिटिंग अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो आप इसको भी रख सकते हो। तो उन्होंने मेरा जो एडिट किया हुआ सीन था वो देखा, उनको पसंद आया। उन्होंने कहा कि बाहर से खोजने की जगह अच्छा है कि एक महीने से तो ये यहाँ पर काम कर ही रहा है, तो इसको ही रख लेते हैं। तो जो मेरा जो शुरुआत हुआ वो हुआ 5,000 रुपये से। 5,000, आपको ऐसा लग सकता है कि 5,000 रुपये बहुत कम है, लेकिन ऐसा है कि आज आप 5,000 कमा रहे हो तो हो सकता है कि 3-4 महीने बाद ही आप 10,000 कमाने लगोगे, और उसके 7-8 महीने के बाद आप 20,000 भी कमाने लग जाओगे। मैं इस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि वीडियो एडिटिंग लाइन में यहाँ पर कमाई कितनी है, कितना आप आगे जा सकते हो, अंत तक वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ये चैनल नया है तो इस पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, इसको बड़ा चैनल बनाएं। तब तक के लिए नमस्कार।